हेलो दोस्तों, बहुत सारे का एक सपना होता है कि शहर में जाके एक प्लॉट खरीद के उसके ऊपर एक अच्छा सा घर बनाएं। फ्लैट तो बहुत सारे मिल जाता है, लेकिन खुद का घर होना शहर में इस एक अलग ही फीलिंग होता है। लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम उसमें आता है कि उसका जो वहाँ का जो प्लॉट का खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम बैंक में जाते हैं कि कहते हैं कि प्लॉट खरीदने के लिए कोई लोन नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्कीम बताऊंगा स्टेट बैंक का, जिसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं लोन लेके, जिसका नाम है SBI रियल्टी होम लोन। हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक से लोन लेके आप शहर में घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लोन लेके प्लॉट खरीदना, ये सिर्फ आप जो म्यूनिसिपैलिटी नहीं तो कॉरपोरेशन एरिया में खरीद सकते हैं, मतलब जहाँ का पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 लाख से ज़्यादा हो लेटेस्ट सेंसस के अनुसार, वहाँ पे आप ये लोन लेके प्लॉट खरीद सकते हैं, मतलब छोटा मोटा शहर से लेके मेट्रो सेंटर तक। हाँ, अगर आप शहर के बाहर कोई एजेंसी लाइक DDA, हुडा, मतलब जो गवर्नमेंट का एजेंसी होता है, वो अगर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट करे, बहुत सारे होता है ना कि गवर्नमेंट नया एक शहर बसाने के लिए प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। मतलब नॉर्मल कोर्स में आपको म्यूनिसिपैलिटी नहीं तो कॉरपोरेशन एरिया में लेना है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी लाइक DDA, हुडा, BDA, LDA इस तरह का अगर वो लोग कोई प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शहर के बाहर, उसमें भी आप स्टेट बैंक में SBI रियल्टी होम लोन में लोन ले सकते हैं। आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना पड़ेगा और आप सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इवन आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ये लोन ले सकते हैं। लेकिन उनका जो इनकम थोड़ा ज़्यादा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इनकम साल में 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपका इनकम 3 लाख से कम हो तो आप ये SBI रियल्टी होम लोन नहीं ले पाएंगे। मिनिमम इनकम आपका साल में 3 लाख के ज़्यादा, मतलब महीने में 25,000 होना चाहिए। मिनिमम लोन अमाउंट आपका 5 लाख हो सकता है, मैक्सिमम 15 करोड़। दोस्तों गांव में नहीं तो साबा नेरिया में बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सारे डॉक्टर प्रोफेशनल रहता है, उन लोगों के पास ये पैसा ज़्यादा नहीं है। लेकिन एज बिकॉज स्टेट बैंक लोन दे रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा कोई भी बड़ा शहर में जाके प्लॉट खरीदना। मिनिमम लोन 5 लाख, मैक्सिमम 15 करोड़ तक लोन आप स्टेट बैंक से लेके प्लॉट खरीद सकते हैं। दोस्तों ये लोन आप 10 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको 10 साल में इसको रिपेमेंट करना है। नॉर्मल हाउसिंग लोन जैसे 30 साल तक चलता है, लेकिन आपको ये लोन 10 साल में रिपेमेंट करना है। अब चलते हैं घर कैसे बनाना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप SBI रियल्टी होम लोन लेके घर, मतलब प्लॉट खरीद रहे हैं, मतलब जगह खरीद रहे हैं, तो आपको 5 साल के अंतर बीच में, मतलब 5 साल में आपको उस जगह के ऊपर घर बनाना है। आई रिपीट, 5 साल में आपको उस जगह पे घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए अब अलग से स्टेट बैंक से होम लोन ले सकते हैं, मतलब दो कंडीशन हो सकता है, आप खुद के पैसे से घर बनाएं और नहीं तो आप स्टेट बैंक से अलग से और एक होम लोन लेके ये उस जगह के ऊपर घर बना सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट। ये पार्ट दोस्तों आप ठीक से मतलब सुनेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये लोन लेंगे SBI रियल्टी होम लोन, इसमें इंटरेस्ट रेट जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए 0.10% ज़्यादा होगा नॉर्मल हाउसिंग लोन से। अभी जैसे 8.40% चल रहा है, SBI रियल्टी लोन के लिए 8.50% होगा।
और बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल के लिए 0.30% ज़्यादा होगा। ये जो इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हैं, ये अप टू जब तक आप घर बनाएंगे तब तक ये इंटरेस्ट चलेगा। अगर 5 साल के बीच में आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करते हैं कि मैंने घर बना लिया, हाँ ये स्टेट बैंक से होम लोन लेके भी कर सकते हैं, खुद के पैसे से भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, जब से आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तब से वो जो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी ओनली 0.10% ज़्यादा सैलरीड के लिए और बिजनेसमैन के लिए 0.30% ज़्यादा होगा, और जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे उस डेट से ये जो लोन, ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल में घर नहीं बना पाए तो आपका जो इंटरेस्ट रेट MCLR प्लस 2.60% हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ही बढ़ जाएगा, मतलब 10.60 हो जाएगा। मतलब अभी 8.35 होना था, लेकिन अगर आप 5 साल में घर नहीं बना पाए तो आपका इंटरेस्ट रेट 10.60% हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप SBI रियल्टी होम लोन ले रहे हैं तो घर बनाने के लिए लीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, और कोशिश कीजिए 5 साल में घर बनाने को। दोस्तों, सिक्योरिटी में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो लैंड आप खरीद रहे हैं वो मॉर्गेज रहेगा बैंक के पास, और कभी कभी बैंक कुछ इंट्रीम सिक्योरिटी भी मांगता है। ये इंट्रीम सिक्योरिटी क्या है कि जब आप लैंड खरीद रहे तब तो कोई रजिस्ट्रेशन, मतलब हाउस का रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ नहीं रहता। जब तक ये लैंड का रजिस्ट्रेशन ना हो तब वो जो डिफरेंट लोन देना और रजिस्ट्रेशन डेट, उतने दिन तक बैंक कुछ इंट्रीम सिक्योरिटी रखता है, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है बस उनके पास कोई दलील नहीं है, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी मांगता है। वो आप LIC का सरेंडर वैल्यू, थोड़ा फिक्स डिपोजिट, ये सब देके भी बैंक को राजी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक को कोई और मॉर्गेज आपको देना है, सिंपली कुछ LIC का सरेंडर वैल्यू दे दीजिए, उससे ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों, यही था बेसिक SBI रियल्टी होम लोन के बारे में। और अगर आप ये लोन लेना चाहता है तो कोई भी जो जहां प्लॉट खरीद रहे हैं उसका करीब में अगर कोई ब्रांच हो, नहीं तो आप जो यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब आपका नौकरी जहाँ हो, आपका बिजनेस जहाँ हो, आपका घर जहाँ हो, वहाँ का बैंक में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद बैंक आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसमें है आपका KYC डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, आपका इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने का सैलरी स्लिप और 2 महीने का फॉर्म 16, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न। प्रोफेशनल के लिए भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न मांगता है। और ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप बैंक में एक साथ सबमिट करेंगे, फिर बैंकर आपसे 2 चेक मांगता है, एक सर्चिंग और एक वैल्यूएशन के लिए। बैंक उस प्लॉट का सर्चिंग और वैल्यूएशन करेगा, उसके लिए जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वो मांगेगा उसमें है कि डीड का कॉपी, मतलब जो जिसके पास से आप लैंड खरीद रहे बाद कोई जो अथॉरिटी आपसे एलोकेट कर रहा है उसका एक पेपर का वो सेट दे देता है, उसमें डीड का कॉपी रहता है, प्लान, प्लॉट का प्लान रहता है, स्ट्रक्चर, उसमें आप जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइल जो किया है म्यूनिसिपैलिटी में वो रहता है, ठीक है। अगर कन्वर्शन हुआ पहले तो एग्रीकल्चर लैंड था, बाद में वास्तु हुआ तो उसका कन्वर्शन सर्टिफिकेट होता है, ये सब लैंड का सेट बैंक मांगेगा। ये सब लैंड के ये सब डॉक्यूमेंट देखकर उसका बैंक का जो वकील है उसका सर्चिंग करेगा और वैल्यूअर उस लैंड के ऊपर वैल्यूएशन करेगा। उस वैल्यूएशन के बेसिस पे आपका लोन होगा, मतलब जो वैल्यूएशन होगा उनका अप टू 75 लाख लोन तक 70% बैंक लोन देगा। अगर आपका सोचिए 50 लाख प्लॉट का कॉस्टिंग हुआ तो 70% मतलब 35 लाख तक बैंक लोन देगा, बाकी पैसा आपको देना है। अगर 75 लाख के ऊपर हुआ लोन अमाउंट तो बैंक 60% मतलब लोन देगा, जो भी वैल्यू होगा 40% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी हिसाब से बैंक लोन कैलकुलेट करेगा
और इसके अलावा आपका इनकम के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। जैसे आपका अगर 3 लाख से 5 लाख का बीच में इनकम हो साल में, तो बैंक ओनली 40% आपका जो नेट इनकम है उससे कट सकता है। इससे इसी तरह से बैंक आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके आपका लोन सैंक्शन करेगा। ये लोन सैंक्शन के बाद बैंक डायरेक्टली जो अथॉरिटी होता है ना शहर में, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको पेमेंट कर देगा, आपके हाथ में नहीं देगा। और वो जो डीड है बैंक डायरेक्टली रजिस्टर ऑफिस से वो मंगवा लेगा खुद के पास। दोस्तों इसका जो रिपेमेंट है नेक्स्ट महीने से शुरू हो जाएगा, और ये डायरेक्टली आपका स्टेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट नहीं तो कोई और बैंक का अकाउंट से ECS करके लोन अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया स्टेट बैंक का SBI रियल्टी होम लोन, जो कि शहर में प्लॉट खरीदने मतलब जगह खरीदने के लिए दिया जाता है, ये आपको हेल्प करेगा आपका जो ड्रीम है शहर में घर बनाने का उसको फुलफिल करने के लिए। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।